आपको हम लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां पर रामलला को सर्दी से बचाने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। रामलला को अब सुबह रबड़ी का भोग लगेगा और उसी प्रसाद को श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि सर्दी के मौसम में रामलला को ठंड से बचाने के लिए रजाई और कंबल भी ओढ़ाया जाएगा। ब्लोअर का इंतजाम तक किया गया है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर जैसे जैसे बन रहा है, वैसे वैसे अब रामलला के ठाट पाट में भी कोई कमी नहीं की जा रही है। सर्दी के दस्तक के बीच अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। दरअसल रामलला के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है, इसीलिए बालक की तरह ही उन्हें सर्दी और गर्मी से बचाने के साथ साथ मौसम के मुताबिक भोग और प्रसाद का खास प्रबंध किया जाता है। रामलला को अब सुबह रबड़ी का भोग लगेगा और फिर उसी प्रसाद को श्रद्धालुओं को दे दिया जाएगा। रामलला को सुबह से शाम तक तीन बार भोग लगता है, सुबह बाल भोग, दोपहर में राजभोग और शाम को संध्या भोग लगाया जाता है। सुबह 6:30 बजे बाल भोग में पंचमेवा यानी कि करी, छुआरा, किशमिश, चिरौंजी और मिश्री परोसी जाती है। इसके बाद पेड़ा अर्पित किया जाता है, लेकिन अब पेड़े की जगह पर रबड़ी का भोग लगाया जाएगा। सवेरे जो 6:30 बजे दर्शन खुलेगा और दर्शनार्थी लोग जाएंगे, तो उनके लिए भगवान रामलला का भोग लग करके और रबड़ी का प्रसाद दिया जाएगा। प्रथम पाली में दर्शन खत्म होने के बाद दोपहर 12 बजे रामलला को राजभोग लगाया जाता है। राजभोग में उन्हें दाल, चावल, रोटी, सब्जी अर्पित की जाती है। आखिरी भोग संध्या भोग होता है, जो दूसरी पाली में दर्शन खत्म होने के बाद शाम 7:30 बजे लगाया जाता है। संध्या भोग में पूड़ी, सब्जी और खीर अर्पित की जाती है। ठंडी से बचने के लिए रजाई है, कम्बल है और वुलोफ्रु है, ये सब चीज व्यवस्था है, इसलिए किसी प्रकार के रामलला के यहाँ कोई परेशानी नहीं है। सर्दी के मौसम में रामलला को ठंड से बचाने के लिए रजाई और कम्बल भी ओढ़ाया जाएगा और गर्मी प्रदान करने के लिए ब्लोअर भी लगाया जा रहा है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।